किसानों के आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन किसान और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच आज देश का आम बजट भी पेश किया गया, जिसमें सरकार ने अन्नदाताओं को लुभाने की खूब कोशिश की, लेकिन अपनी कोशिश में सरकार कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अन्नदाता तो अभी भी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। तो आज दिन भर क्या रहा अन्नदाताओं का हाल, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आज देश की नजरें संसद में पेश होने वाले बजट पर थीं, तो अन्नदाताओं की नजरें उस फोन कॉल पर टिकी थीं, जिसके बारे में पीएम ने 2 दिन पहले कहा था। पीएम ने कहा था कि सरकार अन्नदाताओं से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन अब तक न तो सरकार की ओर से अन्नदाताओं के पास कोई प्रस्ताव आया और न ही कोई फोन कॉल। उल्टा गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा ही बंद कर दी गई। बॉर्डर पर सड़क के बीचों बीच पक्के डिवाइडर बनाए गए हैं, ताकि किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के अंदर फिर से प्रवेश न कर पाए। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने होशियार सिंह, बहादुरगढ़ सिटी, पंडित श्रीराम शर्मा और टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन सरकार ने इंटरनेट सुविधा काट दी है। सरकार नहीं चाहती कि वास्तविक तथ्य देश के किसानों और सामान्य जनता तक पहुंचे, नहीं उनका शांतिपूर्ण आचरण दुनिया तक पहुंचे। सरकार अन्नदाताओं के चारों ओर अपना झूठ फैलाना चाहती है और उनके बीच संचार साधनों में कटौती करने की कोशिश कर रही है। ये अलोकतांत्रिक है। वैसे दावे किए जा रहे हैं कि पीएम की अपील के बाद जो बातचीत रुक गई थी वो दोबारा शुरू हो सकती है। 1-2 दिन बाद ही किसान और कृषि मंत्री फिर बातचीत शुरू कर सकते हैं, लेकिन पेंच फंसा हुआ है नए प्रस्ताव पर, क्योंकि पीएम ने जिस प्रस्ताव के बारे में कहा था कि वो खुला हुआ है, यानी सरकार कृषि बिल को 1.5 साल तक रोकने को तैयार है, उसे किसानों का संगठन खारिज कर चुका है। ऐसे में बातचीत किस प्रस्ताव को लेकर रहेगी। इस बीच आंदोलन स्थलों पर एक बार फिर किसानों की भारी संख्या में किसान जुटने लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों की महापंचायत हो रही है, जिसमें भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। हजारों किसान गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुँचने भी लगे हैं। हरियाणा और राजस्थान के जिलों के किसान भी यहाँ पहुँचे हैं। आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेताओं ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारी फिर पंजाब और हरियाणा से सिंघू तथा टीकरी बॉर्डर पर लौट रहे हैं, और ये आंदोलन अब और तेजी पकड़ता जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।